तो जहां पर अभी देश में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है, इसी बीच राजसमंद में नाथद्वारा नगर पालिका की कार्यशैली विवादों में आ गई है। नाथद्वारा नगर के कनवा बस्ती स्थित एक मकान पर नगर पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की है। चौंकाने वाली बात यह कि ये कार्रवाई मंगलवार रात को की गई है 2:30 बजे। सूर्यास्त के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहती है, तो इस एक्शन से पालिका आयुक्त समेत कर्मचारी सवालों के घेरे में है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार रात में पालिका के 25 से 30 कर्मचारी और करीब 10 होमगार्ड 3 JCB मशीन लेकर उनके नवनिर्मित मकान पर पहुंचे, जो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। पालिका ने उन्हें एक नोटिस देकर कार्य रोकने के लिए कहा, जिसकी उन्होंने पालना नहीं की और कोर्ट की शरण ली, जिस पर उन्हें 18 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी गई थी। लेकिन इससे पूर्व ही पालिका ने षड्यंत्र पूर्वक कागजों में एक अन्य नोटिस जारी कर 17 तारीख की रात को पूरा मकान जमींदोज कर दिया। आया तो यहाँ बाहर रास्ते के ऊपर होमगार्ड बिठा रखे थे और 5-7 जनों को बिठा रखे। मैं अंदर आ रहा, मुझे आने नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा था भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे लगभग 2:30 बजे का टाइम था, ठीक है। मैं अंदर आने कह रहा था भाई, मैंने कहा मैं आतंकवादी थोड़ी हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ चलो। अगर लड़ाई करेंगे तो मुझे अंदर पुलिस में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना। मुझे आगे जाके देखना तो क्यों हो रहा है रात को 2 बजे, कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने इतिहास के अंदर इतना समय तक मुझे यहाँ रहते हुए कभी ऐसा नहीं देखा कि रात को 2 बजे आके तोड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा, रात को 2 बजे क्यों तोड़ रहे हो? वो कह नहीं नहीं अंदर आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, धक्का मुक्की करके मुझे पूछे धकेला मुझे। फिर मैंने वो सामने वाला मकान से जाके इसका वीडियो खींचा, वहाँ से देखा तो फटाफट तोड़ रहे और बोल रहे कि 1 भी इंच बचना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से हमारे पास क्या करो, ऑर्डर आया हुआ नहीं तो ऊपर साहब नहीं छोड़ेंगे हमको। और ये क्लियर बोल रहे सारे सारे के बचना नहीं चाहिए 1 भी। और चलिए बात करेंगे टोंक की, जहां पर एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने अपने पति और पति के परिजनों पर मारपीट समेत प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार साल 2003 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से उसका पति और ससुराल वाले छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान किया करते थे, जिसके चलते मानसिक और शारीरिक रूप से अवसाद में थी। पीड़िता का आरोप कि 16 सितंबर 2024 की रात को उसके पति ने छोटी बात को लेकर उससे मारपीट की और तलाक दे दिया, साथ ही जोर जबरदस्ती करते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने अपने लिए पुलिस से इंसाफ की मांग की है और कहा कि जब देश में ट्रिपल तलाक पर बैन लग चुका है तो कानून की खिलाफत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 21 साल हो गए फुरकान मियाँ से हुई थी शादी, और ये परेशान करते, सास नंदे परेशान करती थी, कभी पानी नहीं भरने दे रही, कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाज़ों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए। और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती तो वो लोग है ना मियाँ से कहते, मियाँ से कह के पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा है वो सुना है, वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे बातें सब। मतलब हाथों से मारती थी हमारी सास का भी, और नंद भी मार के निकाल देती थी, अम्मी ले जाती थी फिर आके मुझे। कब तलाक दिया आपको? 16 तारीख को तलाक। किस तरह दिया? मारते मारते दिए तलाक, 3 मरतबा बोल के। खाला हैं और इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी फुरकान मियाँ, ठीक है। उनका नाम केसर उर्फ फुरकान मियाँ है, गुलजारबाग गर्ल्स स्कूल के पास हुई थी। जब से इनकी शादी हुई थी इनसे तभी से टॉर्चर करा जा रहा था, पर एक्चुअली ये चाहती थी कि मतलब निप जाए, मैं इनका मेरा कोई सहारा नहीं, बाप नहीं है, माँ बेचारी ज़यीफ हैं। सहारा ना होने की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं जैसे तैसे चल रही है कहानी चलती रही, पीटते रहे, मारते रहे। नंदे आई, नंदों ने गला दबाया, मारा, जो जो हो सका। भांजी इनकी, एक भांजी है वो टॉर्चर करती है, वो कुंवारी है जो इनके घर के अंदर ही रहती है। इन्हें इंसाफ मिले, जो 21 साल से इनके साथ आप बीती हुई है, इन्हें हम चाहते हैं इन्हें इंसाफ मिले, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये महिला है सुरैया, पत्नी फुरकान, निवासी गुलजारबाग। इसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दी है 3 तलाक के संबंध में, तो वो रिपोर्ट हम दर्ज कर रहे हैं। वो दर्ज करके उसका मेडिकल करवाया, कानूनी कार्रवाई की। राजस्थान के सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में शुमार किया गया है। पाली के सुमेरपुर में स्थित इस होटल को लंदन के गिल्ड हॉल में वर्ल्ड्स 50 बेस्ट होटल्स का यहां पर पुरस्कार मिला है। तेंदुए को देखने के लिए पर्यटकों में लोकप्रिय सुजान जवाई को दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत का एकमात्र होटल है। लिस्ट में सुजान जवाई होटल 43वें नंबर पर है। दुनिया के इन 50 बेस्ट होटल की लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग से तैयार की जाती है। वोट देने वाले 600 लोगों में ट्रैवल पत्रकार, होटल से जुड़े लोग, ट्रैवल विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
सुजान जवाई होटल को दिसंबर साल 2013 में जैसल सिंह और अंजलि सिंह ने शुरू किया था। इस होटल का नाम जवाई नदी के नाम पर रखा गया है जो इस होटल के पास बहती है। एनडीटीवी से जैसल सिंह ने कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमने सुजान होटल को इस स्तर तक लाने के लिए सालों से कड़ी मेहनत की है। हम भारत की संस्कृति और अपनी वाइल्ड लाइफ का अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहते थे।